आज हम सेट स्क्वायर का यूज करके एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली है सेट स्क्वायर की सहायता से, जिसमें हमने 45 डिग्री का सेट स्क्वायर काम में लिया है। अब हम एक पॉइंट लगाया है हमने, जहाँ से ड्राइंग की आइसोमेट्रिक व्यू की स्टार्टिंग पॉइंट है ये। अब हम 30 डिग्री सेट स्क्वायर से एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। फिर दूसरी पोजीशन में उसी 30 डिग्री सेट स्क्वायर को दूसरी पोजीशन में लेके हम फिर 30 डिग्री पे लाइन हमने बना ली है। अब हमने इसका 90 डिग्री का एंगल यूज़ करके एक वर्टिकल लाइन हमने बना ली है। तो इस प्रकार हमने तीन साइजों को इस पे ड्राइंग में बना लिया है। एक अब हम इस एक 60 mm साइज इस पे मार्क कर रहे हैं इस लाइन पे, जिसको हम चौड़ाई विड्थ मान सकते हैं। और ये जो हाइट है इसकी, जो वर्टिकल लाइन है जो कि हाइट को शो कर रही है, उसको भी हम 60 mm ले रहे हैं। और इधर से हम इसको एक साइज को हम लेंथ मान लेते हैं, जो कि हम 70 mm ले रहे हैं। आइसोमेट्रिक व्यू में वर्टिकल लाइन हाइट को शो करती है। अब हम इसको विड्थ को 20, 20, 20, 40 इस तरीके से तीन इसके इक्वल डिविजन्स हमने कर लिए हैं। इसी प्रकार हम हाइट के भी तीन इक्वल डिविजन्स 20, 40 और 60 इस प्रकार से तीन इक्वल डिविजन्स हमने कर लिए हैं। हम आइसोमेट्रिक व्यू की सहायता से एक स्टेप्स वाला फिगर यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। अब हमने वापस हॉरिजॉन्टल लाइन पे 45 डिग्री वाले सेट स्क्वायर को सेट कर लिया है। अब हम 20 mm हाइट पे एक लेंथ की साइड में हमने एक लाइन बना दी है। दो लाइनें हमने और बनाई है, लेकिन ये अभी कुछ मिस्टेक हो गया, इसको मिटाना पड़ेगा। सेवेंटी mm डिस्टेंस पे हम एक वर्टिकल लाइन बना रहे हैं। तो इस प्रकार से एक क्लोज फिगर समानांतर चतुर्भुज कंप्लीट हो चुका है, जो कि एक वर्टिकल प्लेन को शो कर रहा है। यह एक्चुअल में एक आयत है, इसकी साइज़ 70 और 20 mm है। आइसोमेट्रिक व्यू में यह समानांतर चतुर्भुज की तरह नज़र आ रहा है। यह एक स्टेप्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह स्टेप्स के जो अप वाले हिस्से को शो कर रहा है। अब ये दूसरा पार्ट हम बना रहे हैं, इसमें 20 mm जिसकी विड्थ है और 70 mm जिसकी लेंथ है। तो इस नीचे से हम इसकी 20 mm विड्थ को ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर हमने शिफ्ट कर लिया है। अब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 70 by 20, 70 लेंथ, 20 विड्थ। तो यह एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यह भी वास्तव में एक आयत है, लेकिन आइसोमेट्रिक व्यू में यह समानांतर चतुर्भुज की जैसे नजर आ रहा है। फिगर में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है साइज़ को मार्क करने में, जिसको हम अभी सही कर लेते हैं। ये 20 की जगह 21 mm पे
इसमें निशान लग गया है। फिगर में अगर कहीं पे मिस्टेक होती तो हम उसको सही कर सकते हैं। तो हम दोबारा से ये 2020 पे निशान लगा लेते हैं। दिस इज टोटल विड्थ, ये हमारी इस ऑब्जेक्ट की टोटल चौड़ाई है। तो हम स्टेप्स बना रहे हैं 20, 20, 20, जिनमें 3 स्टेप्स बना रहे हैं, एक स्टेप की विड्थ है 20, इसलिए हमने 20, 40 और 60 पे निशान लगाया है। 3 बराबर बराबर इसके डिविजन्स किए हैं। इसी प्रकार हाइट भी हम 20, 20 ले रहे हैं, एक स्टेप पे हम 20 mm हाइट अचीव कर लेंगे। ये आपकी एक स्टेप कंप्लीट होने जा रही है 20 mm। 70 mm लेंथ है, 20 mm हाइट और 20 mm विड्थ। जैसे ही हम एक विड्थ स्टेप पे चढ़ते हैं तो हाइट हम 20 mm अचीव कर लेते हैं और विड्थ में भी हम 20 mm आगे चले जाते हैं। अब हम इस स्टेप्स का सेकंड स्टेप बनाने जा रहे हैं। एक्स्ट्रा पोर्शन को रबड़ से या जिसको हम इरेजर बोलते हैं उससे हटा सकते हैं। तो ये हमने नेक्स्ट स्टेप का वर्टिकल प्लेन बना लिया है। अब हम इसका एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाने जा रहे हैं, 20 mm विड्थ, 70 mm लेंथ। इसकी विड्थ हम नीचे जो हमने पॉइंट लगा रहा उससे ऊपर की तरफ इसको हमने शिफ्ट कर लिया है, 40 mm, 40 mm विड्थ को शो कर रहा है ये पॉइंट। क्योंकि सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप से हम 20 mm विड्थ हमने कवर की थी, सेकंड स्टेप से हम 40 mm विड्थ हमारी कवर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम टोटल हाइट हम पहुँच चुके हैं, 40 mm हाइट पे आ चुके हैं एवं 40 mm ही हमने विड्थ कवर कर ली, जबकि हमारी लेंथ सेम चल रही है 70 mm। अब हम लास्ट थर्ड स्टेप बना रहे हैं। यह हाइट को शो करती है, वर्टिकल लाइन हाइट को शो करती है। लास्ट स्टेप का ये हम वर्टिकल प्लेन बनाएंगे। हर स्टेप में एक वर्टिकल प्लेन है, दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, जिसको अपन कह सकते हैं अप डाउन अप डाउन। तो ये हम अप वाला पोर्शन बना रहे हैं लास्ट, जो कि एक्चुअल में रेक्टेंगुलर होते हैं, लेकिन इसमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग में सभी समानांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम की जैसे नज़र आ रहे हैं। इनका प्रत्येक एंगल, ईच एंड एवरी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, लेकिन ये आइसोमेट्रिक व्यू में थोड़ा बदल जाता है। इस प्रकार हमने लास्ट स्टेप का वर्टिकल प्लेन यानी कि अप वाला पोर्शन बना लिया है। अब हमको डाउन वाला पोर्शन बनाना है। इस प्रकार हम टोटल अभी हाइट में 60 mm हाइट पे हम पहुंच चुके हैं। अब हम इसको विड्थ में 20 mm विड्थ हम ले रहे हैं, हाइट आपकी 60 रहेगी, इस
प्रकार 30 डिग्री पे लाइन बनाने से हाइट में कोई चेंजेज नहीं होता है। तो हाई अब हाइट में अभी भी 60 mm हाइट पे ही है और 20 mm हमने विड्थ ले लिए और ये लेंथ के पैरेलल हमने लाइन बना लिए सेटिस्क्वायर से। ये आपका लास्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है जो कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है 70x20 mm का। अब हम इसके जो लास्ट इसका जो ओपन एक कॉर्नर नज़र आ रहा है इसको ये वर्टिकल लाइन जो कि हाइट को शो कर रही है 60 mm की जो है उससे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमको एक स्टेप्स का एक आइसोमेट्रिक व्यू साफ नज़र आ रहा है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा पोर्शन नज़र आ रहा है उसको आप इरेजर से रिमूव कर सकते हैं। अब हमको इसकी जो आउटलाइन है उसकी थिकनेस को भी सबको बराबर रखना है, कोई भी आपको अगर थिन नज़र आ रही है तो उसको थिक करना है। इस प्रकार हमने स्टेप्स का आइसोमेट्रिक व्यू सेट स्क्वायर की सहायता से बना लिया है। जो इसकी आउटलाइन हमको हल्की नज़र आ रही है उसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। परफेक्ट आउटलाइन बनाने से आपका फिगर एकदम उभर के बाहर आ जाता है, एकदम साफ नज़र आता है। आइसोमेट्रिक व्यू एक 3D ड्राइंग है जिससे हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों एक साथ पता लग जाती है। तो आपने देखा कि किस प्रकार हमने सेट स्क्वायर का यूज़ करके इसको बनाया है। एक सेट स्क्वायर को जो कि सेट स्क्वायर में आपके पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल में 45 डिग्री के एंगल है, दो एंगल है और एक 90 का एंगल है, उस सेट स्क्वायर को सपोर्ट के लिए नीचे रखा जाता है और एक रेफरेंस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली जाती है। और दूसरा जो सेट स्क्वायर है 30-60 डिग्री का है, उससे हम इसको बनाते हैं। ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू कंप्लीट हो चुका है। जो लाइनें, जो आउटलाइन हमको कुछ हल्की नज़र आ रही थी उसको हमने डार्क कर दिया है। थैंक यू वेरी मच।